नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में रासायनिक गुलाल पर प्रतिबंध, फिर भी कपूर पर गुलाल फेंका, आग भड़की। अकाली दल से नहीं बनी बात, पंजाब में अकेले लड़ेगी भाजपा। 21 दिन बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की। आईपीएल का फाइनल मैच 26 मई को चेन्नई में होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नए बॉस बने पवन। केजरीवाल का ईडी हिरासत से एक और आदेश, विशेषज्ञ बोले हिरासत में रहकर सीएम नहीं ले सकते कैबिनेट की बैठक। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया सीट शेयरिंग के फेर में उलझी। पाकिस्तान में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले, 5 चीनी इंजीनियरों की मौत। मास्को में हमले के निर्देश आईएस आतंकियों को तुर्की से मिले थे। आधे गाजा में खाने का भारी संकट, ब्रिटेन ने 10 टन राहत सामग्री भेजी। अधिक वेतन का लालच देकर साइबर ठगी कराई, 2 अरेस्ट। कोटा में नीट के छात्र ने फांसी लगाई, साल का 6ठा मामला। हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस के 6 बागियों को भाजपा ने टिकट दिया। यूपी में टिफिन बैठकें कर नए लोगों को जोड़ने में लगी भाजपा। आजम खान की सीट से एसटी हसन को उतार सकती है सपा। संदेश खाली मामला उजागर करने वाली रेखा को पीएम ने फोन किया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।